श्योपुर में दीपावली का सामान खरीदने आई एक महिला के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने चाय में नशीली दवा देकर दुष्कर्म किया है। वारदात के बाद आरोपी ने उसके सिर पर कई वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। इसके बाद आरोपी महिला को खेत में फेंक कर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस 28 वर्षीय पीड़िता को श्योपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। यहां करीब 16 घंटे बाद उसे होश आया। महिला के सिर, आंख और चेहरे पर काफी चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। एसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी फिलहाल परिवार सहित फरार है, एक दो दिन में उसे गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। महिला ने लड़खड़ाती जुबान में आप बीती सुनाई। उसने कहा कि वह आरोपी को नहीं जानती और चाहती है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। एसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत होने के डर से आरोपी ने महिला से दरिद्रगी के बाद उसको जान से मारने का प्रयास भी किया था। आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर या लोहे की रॉड से अनगिनत वार किए, गला भी दबाने का प्रयास किया है। महिला के गले में खरोंच के निशान अभी भी मौजूद है। चेहरे और गले पर अभी भी सूजन है। वारदात के 5 दिन बाद भी एक आंख नहीं खुल रही है। एसपी ने जिले के 3 पुलिस थानों की 8 टीमें बनाकर मामले की छानबीन शुरू कराई। पुलिस को इस मामले को ट्रेस करने में बड़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि आरोपी का ना कोई नाम और ना ही कोई पता था, ना ही उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री थी। फिर भी पुलिस ने घटनास्थल और वहां आवाजाही करने वालों से पूछताछ करके जरूरी साक्ष्य जुटाए और आरोपी की पहचान कर ली है। श्योपुर शहर निवासी आरोपी कपिल राव परिवार सहित जिले से फरार है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। गनीमत रही कि समय रहते सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिससे उसकी जान बच गई है। वो आने पर जब उसे पूछताछ की तो पूरी घटना का पता चला, जिसमें कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे शादी का झांसा देख करके और उसके साथ गलत काम किया था। थाने के पास उससे जो भी जानकारी मिली उसके अनुसार ट्रैक करके आरोपी की पहचान की गई और आरोपी पर 10,000 रुपये का गिरफ्तारी करने पर इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र हम लोग आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।